लखनऊ में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से संबोधित किया जा रहा है, सीधे सुनवाते हैं। तो गौ आधारित खेती से गौ माता की भी रक्षा होगी, साथ साथ विष मुक्त खेती भी हम लोग देने में सफल होंगे और विष मुक्त खेती के लिए भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गंगा के तटवर्ती सभी 27 जनपदों में और बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव देकर के उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, इन दोनों प्रकार की खेती को 1,30,000 हेक्टेयर भूमि में हम जैविक और प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को लागू कर चुके हैं और तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। अभी से हम लोगों ने तय किया है इस वर्ष फिर उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग को नोडल विभाग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक नोडल विभाग वन विभाग होता है लेकिन सभी अन्य विभाग इसमें सहभागी बनते हैं। 35 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को लेकर के फिर हम लोग जुलाई प्रथम सप्ताह में प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बृहद अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 35 करोड़ वृक्षारोपण एक साथ एक दिन में जुलाई प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, उसकी तैयारियां अभी से होने लग गई हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक और कार्य किया कि जितने भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास देंगे किसी भी लाभार्थी को, उस लाभार्थी को एक साथ सहजन का पेड़ भी देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है स्वाभाविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर होगा और जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो पोषण भी वही होगा। तो हम लोगों ने सहजन का एक पेड़ प्रत्येक आवास के सामने उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया और पेड़ लगाने के साथ जब अब पेड़ बड़ा होता है तो जो फली देती है सहजन की जो फली होती है वह अपने आप में प्रोटीन से युक्त होती है, साल में 2 बार फली देगी, परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में सब्जी भी मिलती है और उसके सूप को पीने से भी उसमें काफी उस परिवार को एक नई मजबूती भी प्राप्त होती है। साथ साथ हर कुपोषित परिवार को हम लोग निराश्रित को आश्रय स्थल से एक एक ब्याई की ब्याज उपलब्ध करवाते हैं, बहुत अच्छे परिणाम इसके आ रहे हैं। एक एक गाय भी उपलब्ध कराते हैं, 900 रुपये हर महीने इस गाय के लालन पालन के लिए इस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। तो गाय की भी रक्षा होती है साथ साथ परिवार कुपोषण से मुक्त भी होता है। ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इस बार फिर से वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से 35 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अभी से नर्सरी तैयार हो रही है।